हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCET ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17, जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है इसकी 20 सितंबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास से जगह नेम लिखेंगे। तो आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर की वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं, डियर स्टूडेंट रोहित एक मॉनिटर है 8th क्लास के सभी सेक्शंस का। उसने कंडक्ट करना है प्रेयर असेंबली जो कि स्कूल में होती है। वो चाहता है कि स्टूडेंट ऐसे खड़े हों कि जितने रोज़ हों उतने ही नंबर ऑफ बच्चे हों। यानी अगर समझ लीजिए 7 रो है, यानी ये हमारी 7 रोज़ होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और एक रो में 7 ही बच्चे हों, यानी 7 रो और एक रो में 7 ही बच्चे। वो ऐसा चाहता है, वो चाहते हैं कि ही रो इज मच एज द नंबर ऑफ रोज इन अ रो इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब उसे पता है कि 1764 जो बच्चे हैं टोटल 8th क्लास में है, देन हाउ मैनी रोज विल रोहित मेक, यानी रोहित को कितनी जो रोज हैं वो उसे बनानी पड़ेंगी। तो रोहित क्या आप हेल्प करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखते हैं। हमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी दोनों बराबर पर बताने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे 176064 दे रखे हैं। तो हम ले लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एच रो, हम एच रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स मान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहेंगे हमारे, एक्स के स्क्वायर हो जाएंगे। एक्स का स्क्वायर हमारा 1764 के इक्वल होगा। तो स्क्वायर ही हमने हटा दिए, इधर आके क्यूब हो जाएगा। अब 1764 का क्यूब हमारा 42 होता है। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एच रो, यानी हर रो में 42 स्टूडेंट होंगे और 42 रोज बनेंगी, देन हमारा कितना हो जाएगा, 1764 हमारे स्टूडेंट आ जाएंगे। अब आपको चेक करना है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। फैक्टराइज गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर, जानिए जो नंबर है आपको उसे प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर उसके पेयर बनाने हैं, मेक पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इफ़ इच डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैज़ पेयर, नो वन इज़ लेफ्ट पेयर, यानी अगर सबके प्राइम फैक्टर बन गए और कोई भी जो हमारा लेफ्ट नहीं बना, यानी बचा नहीं अनपेयर, देन वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वो हमारा नंबर हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। बट अगर लेफ्ट हो गया देन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। टेक वन नंबर फ्रॉम इच पेयर, मल्टीप्लाई दिस विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, यानी उन नंबर्स को हमने पेयर में से नंबर्स को लेना है और मल्टीप्लाई करना है, देन हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगी उस नंबर की। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से ही हम उसे देख लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर विच इज़ ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी आपको लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर लेना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो आपको पता है लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर हमारा 999 होता है। अगर हम 1000 ले लें तो ये हमारा 4-डिजिट हो जाएगा, या हम उससे बड़ा कोई ले लें। तो अब आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम 9 का स्क्वायर रूट निकालें तो हमारा 31.607 आएगा, जो कि 31 से हमारा बड़ा है। 31 इज़ एन इंटीजर रस स्मॉलर देन 31.6, यानी 31 एक इंटीजर ही है जो कि 31.607 से थोड़ा सा छोटा है। तो अगर हम 31 का स्क्वायर देखें तो हमारा 961 आता है, और अगर हम 32 का स्क्वायर देखें तो हमारा कितना रहेगा, 1024 आएगा, जो कि हमारा 4-डिजिट है, पर हमें कितना चाहिए, 3-डिजिट। तो 31 का स्क्वायर करेंगे 961, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 3-डिजिट सबसे लार्जेस्ट नंबर है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 961 आ जाएगा। सेकंड आपको दे रखा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू 68600 टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए, अ नंबर विच इज ऑल प्राइम फैक्टर नंबर इन पेयर आफ्टर फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टर करेंगे 68600 का, तो 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 5 × 5 हमारा आएगा। अब आपको पेयर बनाने हैं, पेयर कैसे बनेंगे हमारे, एक तो हमारा ये पेयर हो जाएगा, एक हमारा ये पेयर हो जाएगा और एक हमारा ये पेयर बन जाएगा। बचा क्या हमारा, 2 और 7 बचा। अब 2 और 7, अब आप देखेंगे 2 और 7 हमारा बच गया। दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट हैज़ नो पेयर फैक्टर्स, यानी इसमें पेयर फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि 2 के साथ भी कोई नहीं है और 7 के साथ भी हमारा कोई नहीं है, तो पेयर फैक्टर नहीं है। तो 2 और 7 हैज़ नो पेयर फैक्टर्स इन शोन स्टेप 2। अब आपको स्टेप 4 में क्या करना है,
टू इंटू सेवन कितना होता है हमारा, टू और सेवन बचा, तो टू इंटू सेवन फोर्टीन। फोर्टीन एक सबसे छोटा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा, अगर हम सिक्स एट सिक्स जीरो से को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिक्स एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, हमने एक एक्स्ट्रा टू लिया और एक हमने एक एक्स्ट्रा सेवन लिया। देन मे टेक वन नंबर फ्रॉम इच पेयर, यानी हमने इच पेयर में से एक नंबर ले लिया, वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, यानी फिर हमारा ये हमारा टू आ जाएगा, एक टू, फिर ये हमारा एक टू हो जाएगा, फिर ये हमारा एक फाइव हो जाएगा, फिर ये हमारा एक सेवन हो जाएगा और ये हमारा एक सेवन हो जाएगा। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू ज़ा फोर, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, ट्वेंटी सेवन ज़ा हमारा हो जाएगा वन फोर्टी, और वन फोर्टी इंटू सेवन करेंगे तो नाइन एटी आ जाएगा हमारा। तो ये सबसे छोटा, ये हमारा जो नंबर है सिक्स एट सिक्स ज़ीरो ज़ीरो, उसका ये हमारा नंबर का सिक्स एट ज़ीरो ज़ीरो का अगर हम फोर से मल्टी फोर्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे देन जो ना हमारा नंबर आएगा वो उसका ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आप इससे कर लेंगे। देन हमें लेट्स ट्राई दिस, इन क्वेश्चंस को करना है। थ्री वन फिफ्टी सिक्स प्लांट्स आर प्लांटेड टू अ गार्डन, तो इकतीस हज़ार छप्पन प्लांट्स हैं जिन्हें प्लांट करना है गार्डन में, कि ऐसा कि एक रो में जितने प्लांट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ़ रोज हो। फाइंड द नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन एच रो, यानी आपको नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ प्लांट्स एच रो में फाइंड करना है। तो इसका आंसर करते हैं, तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स हमारे थ्री वन फाइव सिक्स है। लेट द नंबर ऑफ़ प्लांट इन एच रो, हमने एक रो में प्लांट्स की संख्या हमने एक्स मान ली, टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स हमने एक्स का स्क्वायर मान लिया। अब एक्स का स्क्वायर आपको पता है टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स हमारे थ्री वन फाइव सिक्स है, स्क्वायर है इधर आके क्यूब आ जाएगा। अब थ्री वन फाइव सिक्स का क्यूब करेंगे तो हमारा फिफ्टीन सिक्स पॉइंट सेवन वन सेवन आ जाएगा, जिसे हमने लॉन्ग डिविजन मेथड से भी करके देख लिया, हमारा फिफ्टी सिक्स पॉइंट वन वन पॉइंट सेवन आ जाएगा। अब आप देखेंगे फिफ्टी फाइव का स्क्वायर कितना होता है, हमारा थ्री ज़ीरो टू फाइव होता है, फिफ्टी सिक्स का स्क्वायर थ्री वन थ्री सिक्स होता है। अब आप देखिए जो थ्री वन फाइव सिक्स है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये हमारे डेसिमल वाला नंबर आ रहा है। तो थ्री वन फाइव सिक्स हमारा जो है फिफ्टी सिक्स के स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम लिख सकते हैं ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, यानी इसके अप्रॉक्स है। तो आपको पता है फिफ्टी सिक्स प्लांट्स और फिफ्टी सिक्स रोज हमारी बनेंगी एंड देन हमारा थ्री वन फाइव सिक्स हमारा कंप्लीट होगा। तो आप इसमें ये आंसर कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फॉर कोविड नाइन्टीन फंड, यानी एट क्लास के स्टूडेंट ने कोविड नाइन्टीन फंड के लिए पैसे कलेक्ट करने की सोची। ए स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, यानी हर स्टूडेंट ने उतने पैसे डोनेट करे यानी जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं। दे डोनेटेड टू सिक्स ज़ीरो वन, यानी सभी ने दो हज़ार छः सौ एक मिला के डोनेट करे। आपको स्टूडेंट के जो फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो आप इसका आंसर करेंगे, तो आप देखें लिखेंगे इच स्टूडेंट डोनेटेड मनी, यानी जितने स्टूडेंट ने मनी डोनेट करी उतने स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में। तो टोटल मनी कितनी है, दो हज़ार छः सौ एक, और हमने स्टूडेंट्स को मान लिया एक्स, टोटल मनी हमने एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हमारे दो हज़ार छः सौ एक के इक्वल होगी, तो ये स्क्वायर इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा। अब दो हज़ार छः सौ एक का हम क्यूब निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो ये थ्री से कट जाएगा एट सिक्सटी सेवन, ये थ्री से हो जाएगा टू एटी नाइन, सेवनटीन से सेवनटीन हो जाएगा और ये हमारा वन से कट जाएगा। अब एक पेयर हमारा थ्री का बना, थ्री इंटू सेवन इंटू सेवनटीन आ गया हमारा। अब एक पेयर हमारा थ्री का बना, एक पेयर हमारा सेवनटीन का बना, थ्री इंटू सेवनटीन करेंगे तो फिफ्टी वन स्टूडेंट। तो हमारा क्या आंसर जो आया, हमारा जो आंसर आया वो आया फिफ्टी वन स्टूडेंट, यानी फिफ्टी वन स्टूडेंट ने, यानी एक स्टूडेंट ने फिफ्टी वन रुपीज़ डोनेट करे और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फिफ्टी वन थे। तो ये आप कर लेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाई टू फाइव फोर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो अगर हम जो हमारा फाइव फोर ज़ीरो ज़ीरो है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। तो अब इसका आंसर करेंगे, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे फाइव फोर ज़ीरो ज़ीरो का,
हमने इसे फैक्टराइज करा, 2 से करा तो 2700, फिर 2 से करा 1350, फिर 2 से करा 675, फिर 5 से करा 137, फिर 5 से करा हमने तो 27, फिर 3 से करा तो 9 3 9 27, फिर 3 से करा तो 3 3 9, और फिर 3 से करा तो 3 1 3, ये आ गया। अब हम इसके ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो नोट कर लिया, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3। आप पेयर बना लेंगे, एक पेयर हमारे ये हो जाएगा, एक पेयर हमारे ये हो जाएगा, और एक पेयर हमारे ये हो जाएगा, 2 और 3 हमारा बचा। अब यहाँ पे देर इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट हैज़ नो पेयर पेयर। अब इसमें कोई पेयर फैक्टर नहीं है, इसलिए जो हमारा ये है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 2 × 3 यानी 6 से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 यानी 6 इज़ द हमारा 6 जो है वो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे देन जो हमारा आंसर रहेगा वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 5400 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, देन जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा स्क्वायर रूट होगा 180 का, यानी वो हमारा आंसर जो आएगा तो 54600 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 324600, ये हमारा आंसर रहेगा। अब ये हमारा इसका हमारा स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा 180 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमें पूछा गया था, हमने कर लिया। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।